हमने लास्ट चैप्टर जो कवर किया वो था बेलमेंट, जिसके हमने बात की बेलमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ बेलमेंट, पेलर बेली, दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज, जनरल रियल, पार्टिकुलर रियल, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। आज से हम एक नए चैप्टर और बहुत ही स्वीट, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर के साथ आ गए, जिस चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसे प्लेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस बोला जाता है, हमारे अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पता नहीं होते। सो एज ए प्रोफेशनल एज वेल एज ए पर्सन आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन, आज हम बात करने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के बारे में। देखो ये जो तुमने अपने स्क्रीन पे एकदम दिख रहा है, ये एक टेंशन में आदमी है। इस आदमी को हम बोलेंगे, इनका हम एक नाम देते हैं, से ये है मिस्टर ए, और मिस्टर ए को अपने बहन की शादी करनी है। और इनके पास पैसे आने वाले हैं, कुछ दिन बाद आने वाले हैं। राइट नाउ He is in shortage of money. इन्हें बहुत पैसे की बहुत अर्जेंसी, बहुत अर्जेंट अर्जेंटली पैसा रिक्वायर्ड है। देखो इसलिए बेचारे टेंशन में है। अब ये टेंशन से दूर होने के लिए, पैसे के लिए अपने एक दोस्त के पास गए, एक सेठ जी के पास गए, से सेठ जी एंटी, ठीक है, या चलो इनको हम बी मान लेते हैं, से बी जी का बी के पास गए, तो सेठ जी भी है और उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। इन्होंने जाकर अपनी सारी समस्याएं अपने सेठ जी को, अपने फ्रेंड को बताई कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है जो मैं विद इंटरेस्ट आपको इतने महीने के बाद पे कर दूंगा। लेकिन जो सेठ जी हैं इनको इन मिस्टर ए पे भरोसा नहीं हुआ, इनको लगा कि ये जो मिस्टर ए है ये मेरा पैसा रिपे नहीं करेगा, एंड ही रिफ्यूज टू पे, पैसे उन्होंने मना कर दिया बिकॉज उनको इन पे ट्रस्ट नहीं है। अब बेचारे जो ए हैं ये और टेंशन आ गए और स्ट्रेस में आ गए कि अब क्या किया जाए। तभी किसी मेरे किसी इंसान ने इनको बताया कि डोंट वरी, इसके लिए अप्रोच टू अ बैंक। अब एक बैंक के पास है, देखो बैंक कितनी भीड़ है, बैंक के पास है, और बैंक में जाके ये एक बैंक मैनेजर से मिले, ठीक है। बैंक मैनेजर से मिलने के बाद बैंक मैनेजर को सारी समस्याएं बताई और उन्होंने बोला कि आई नीड से 10 lakhs फॉर 3 months एंड विल रिपे विद इंटरेस्ट। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, 3 महीने का 10 लाख रुपए चाहिए, मैं आपका पैसा विद इंटरेस्ट आपको 3 महीने के बाद वापस कर दूंगा। लेकिन बैंक में तुमको पता होगा, बैंक मैंने बोला ओके आई एग्री आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, और हम यहाँ बैठे ही इसलिए कि हम लोन दे पाए। देखो बैंक का या बैंक में काम क्या है, लोगों से डिपोजिट लेना और लोगों को लोन देना, बदले में इंटरेस्ट कमाना है ना। तो बैंक में बोला ओके ये सारे फॉर्म्स आप भर लो, और भरने के बाद मुझे एचएस सिक्योरिटीज कि आप अपना वादा निभाओगे, आप परफॉर्मेंस करोगे, आप अपना पैसा वापस करोगे, इस बात का एश्योरेंस के लिए मुझे अपना कोई कीमती सामान जो 10 लाख से ज्यादा का हो वो मेरे पास रखवा जाओ। जब तुम लोन के पैसे दे जाना, जैसे रिपे करना, सामान ले जाना, इस सामान का मालिकाना हक भी तुम्हारे पास ही रहेगा। आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू बी द ओनर, यू विल स्टिल बी द ओनर, बस ये सामान मेरे पास रहेगा। इस बात का एश्योरेंस के लिए, इस बात की गारंटी के लिए, इस बात के लिए कि आप अपने वादे को पूरा करोगे, अपना पैसा दोगे। अब ये गए थे गाड़ी में, कार में, इन्होंने अपनी प्यारी सी कार दे दी किसको, बैंक मैनेजर को, और कार की चाबी भी दे दी। अब देखो इस कार में कोई भी गुड्स में दो चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना, जो मैंने बार बार तुम्हें बताया है। एक को हम बोलते हैं पोजीशन, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस या कस्टडी, और एक को बोलते हैं ओनरशिप।
इस कार का जो ओनरशिप है ना अभी भी किसके पास है? तो मिस्टर ए के पास ही कार का ओनरशिप है। तो सर इन्हें तीनों ने बैंक मैनेजर को या बैंक को दिया क्या? तो इन्हें बैंक को दिया कार का पोसेशन, दिया कार का पोसेशन दिया, बोला एक कस्टडी तुम्हारे पास रहेगी एज अ सिक्योरिटीज व्हेन आई पे द मनी, जब मैं तुम्हारा पैसा रिपे कर दूंगा विद इंटरेस्ट देन मैं अपना कार वापस ले जाऊंगा। ये सुन के बैंक मैनेजर ने इन्हें लोन देखो दे दिया, किसको? मिस्टर ए को। अब देखो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। किस कॉन्ट्रैक्ट को? ये जो अपना पैसा, ये जो बैंक मैनेजर ने पैसे दिए किसको? ए को। और ए ने ये वादा किया कि मैं अपना पैसा वापस करूंगा विद इंटरेस्ट 3 महीने बाद, तब तक के लिए आप मेरे कार का पोसेशन, याद रखना पोसेशन नॉट ओनरशिप, पोसेशन उन्होंने किसको दे दी? बैंक मैनेजर को दे दी। ये जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। और मिस्टर ए को बोलेंगे ऑनर और मिस्टर बैंक मैनेजर को यानी बैंक को बोलेंगे पॉनी। तो आई होप समझ में आया। तो इतना अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस क्या है। फिर देखो राइट अप में आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस क्या है? देखो गुड्स आर सेट टू बी प्लेस्ड, हम बोलते हैं गुड्स तब प्लेस हुआ When they are delivered, जब delivered होगा, deliver क्या होगा? Ownership या custody? Only ownership, ये बात याद रखना। कौन deliver करेगा? सर डीलर करेगा। किसको? बेली को। लेकिन क्यों करेगा? That is important for securities। किस बात की securities? Payment of debt। जो हमने example दिया वो payment of debt का था। हो सकता है ये performance of promise का भी हो। Example, Mr. A जो हमने example लिया था, A ने loan लिया। Obtain a loan from, किसे लोन लिया? बैंक। एंड गिव्स हिज कार, अपनी कार दे दी बैंक को एज ए सिक्योरिटीज। दिस इज केस ऑफ प्लेस। मिस्टर ए को ऑनर बोलेंगे, मिस्टर बी को यानी बैंक को सॉरी पॉनी बोलेंगे। एनी डाउट? नो डाउट। अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको बोलते हैं टेक इट फ्रॉम हैंडी, कुछ बातें जो दोनों से जानिए। नंबर 1 कि प्लेस क्या है? ये एक तरह का प्लेस में नो चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? ओनर वही रहता है, ओनली कस्टडी पोजीशन चेंज होता है। पॉनी के पास राइट नहीं, पॉनी कौन था? बैंक। ही हैज नो राइट टू सेल द प्रॉपर्टी प्लेस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अगर पॉनर इन माय एग्जांपल में ए फेल्स टू पे देन ओनली ही इज राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, वो भी नोटिस देने के बाद। प्लेस एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक बेलमेंट है, स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। या तो बेलमेंट ने भी सामान का पोजीशन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा था फॉर स्पेशल पर्पस। यहां स्पेशल पर्पस क्या है? सिक्योरिटीज। ओके लाइक बेलमेंट प्लेस इज कंसर्न विद मूवेबल गुड्स, यहां पर भी सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए हो सकता है। डॉक्यूमेंट टाइटल अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल का, इन सबको भी हम मूवेबल गुड्स मानते हैं, तो इनको भी हम रख सकते हैं एज ए प्लेज। ओके अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट। कब? एसेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? इसको हम बहुत बार एसेंशियल एलिमेंट को कंडीशंस और प्रीरिक्विजिट्स भी बोलते हैं, यानी प्लेस होने कब किसी एग्रीमेंट को हम प्लेस मानेंगे? जब ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे तब मानेंगे। पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, गुड्स क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी डिलीवरी एज सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर मान लो मैंने अपना कार किसी मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए दिया, दिस इज मैं कार की डिलीवरी कर रहा हूँ, कार मेरा मोबल गुड्स भी है बट स्टिल इट इज नॉट प्लेस, इट इज बेलमेंट। व्हाई? बिकॉज मैं सिक्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। सिक्योरिटी किसका? किस बात का? फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ओनरशिप किसके पास होना चाहिए? ओनर अपॉन के पास रहना चाहिए, मोबल गुड्स होना चाहिए और ट्रांसफर और पोजीशन होना चाहिए। ये 6 के 6 अगर तुम्हारे पास कंडीशन है देन इसे हम बोलेंगे कि प्लेस है, अदरवाइज नहीं। अब एक एक करके देखते हैं सबको। पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो प्रॉपर्टी प्लेस्ड, ये प्लेस होगा, प्रॉपर्टी प्लेस्ड शुड बी डिलीवर्ड टू द पॉनी, पॉनी मस्ट बी मेड हाउएवर एक्योर और कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी होना जरूरी, मतलब इसमें हमने वो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिलीवरी मस्ट बी मेड,
अब जो डिलीवरी है हो सकता है कि वो कंस्ट्रक्टिव हो और हो सकता है कि एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? इट मींस इम्प्लाइड, ठीक है? तो डिलीवरी होना जरूरी है अगर प्लेस होना है तो। मैं एक गुड्स अपने पास से रखा और मैंने बैंक को बोला कि देखो ये मैं कार तुम्हारे पास मॉर्गेज करता हूं, ये तुमको देता हूं, एश्योरेंस रखा, लेकिन कार मैं ही रखा हूं, मैं कौन था, कार का ओनर, और मैं ही कार को रख रहा हूं, देन इट इज नॉट कॉल्ड टू बी एज अ प्लेस बिकॉज डिलीवर गुड्स नहीं हुए। नेक्स्ट से डिलीवरी एज सिक्योरिटीज, डिलीवरी क्यों हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी बाई वे ऑफ, शुड बी बाई वे ऑफ सिक्योरिटीज होना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है मोबल गुड्स, यहां गुड्स का मतलब क्या है, जो गुड्स डिफाइन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, यानी गुड्स क्या होना चाहिए, मोबल। मोबल किसको बोलते हैं, जो मनी कैन नॉट बी गुड्स प्लेस नहीं सकता, क्योंकि ये मनी अपने आप में, याद करो ये गुड्स नहीं होता, सेवर गुड्स एक्ट में हम पढ़ेंगे मनी और एक्सनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया गया है अंडर सेवर गुड्स एक्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। द टर्म मोबल प्रॉपर्टी मीन्स जो कि थिंग्स विच आर नॉट अटैच टू लैंड, जैसे कि मान लो एक्सलेटर हो गया, लिफ्ट हो गया, जो अटैच टू लैंड है, जैसे कि सीमेंट, एक बार सीमेंट को तुमने या टाइल्स, एक बार तुमने टाइल्स लगा दिया, जब विड्रॉ करो उखाड़ोगे सेम कंडीशन में नहीं निकलेगा, वो डैमेज हो जाएगा, इसका मतलब वो गुड्स अटैच टू लैंड हो गया, जब एक बार जमीन से लग गया, जमीन से लगे हुए सामान जैसे पेड़ ये सब, लैंड बिल्डिंग ये सारे को हम मोबल गुड्स नहीं मानते, एंड इनको हम अगर दे रहे हैं प्लेस करते वक्त किसी को एज ए मॉर्गेज, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉल्ड एज मॉर्गेज। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज क्यों देंगी, फॉर पेमेंट ऑफ डेट, और साथ में कुछ और है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कोई मैंने तुमसे वादा किया और तुमको लगता है मैं वादा तोड़ दूंगा, मैंने अपने गुड्स, सपोज मैं अपने मोबाइल तुमको दिया कि अगर मैं परफॉर्मेंस तोड़ दिया तो ये मोबाइल रख लेना, ये भी प्लेस के डिलीवरी में आएगा, क्योंकि मैं एश्योरेंस कर रहा हूं, मैं एश्योर कर रहा हूं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ माई, फॉर माई परफॉर्मेंस, प्रॉमिस कर रहा हूं फॉर माई परफॉर्मेंस। और जनरली ये जो प्लेस होता है, इट इज सिक्योरिटीज फॉर पेमेंट ऑफ डेट, द सिक्योरिटी मस्ट बी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस। द पेमेंट हो सकता है प्रेजेंट का पेमेंट हो सकता है पास्ट का पेमेंट हो सकता है फ्यूचर का पेमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, देखो मैं एग्जाम्पल लिखा कि ए ने अपनी बाइक को हैंडओवर कर दिया बी को, बी को उसके यूज के लिए, बी बोला कि मैं आपका बाइक 10 दिन बाद वापस कर दूंगा, ये एक प्लेस नहीं है, याद रखना प्लेस नहीं, इट इज जस्ट अ पेमेंट। व्हाई? बिकॉज यहां पर ए जो हैंडओवर कर रहा है, इट इज नॉट एक्सेसिबिलिटी ऑफ पेमेंट, ओके, दिस इज नॉट अ प्लेस, रादर इट इज अ पेमेंट। प्लेस में जरूरी है कि ये पेमेंट, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर पोजीशन, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो गुड्स होता है ना, हर गुड्स में दो चीजें बेसिकली होती हैं, क्या क्या, ओनरशिप और पोसेशन। तो ये पोसेशन ट्रांसफर होगा, पोसेशन की डिलीवरी होगी, गुड्स की ओनरशिप की डिलीवरी नहीं होगी। ओनरशिप डिलीवर हुआ, इट इज कॉल्ड एज सेल,
ठीक है, सो इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लेस दैट देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग दिस गुड्स, अगेन ये एग्जिस्टिंग गुड्स होना चाहिए, एन एग्रीमेंट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन रेडी इन फ्रेंडली, जो रेडी होगा या फ्यूचर में जो होगा वो प्लेस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनरशिप इन गुड्स, हमने डिस्कस किया कि ओनरशिप पॉनी के पास ही, पॉनी डज नॉट एक्वायर एनी ओनरशिप, ये हमेशा पॉनी के पास ही रहता है, ओके। इवन तो प्लेस करने के बाद ओनरशिप चेंज नहीं होता, ओनली पोजीशन या कस्टडी चेंज होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, मिलते हैं अगले क्लास में, हम डिस्कस करेंगे प्लेस और बेलमेंट के बीच का डिफरेंस और पॉनर पॉनी के राइट्स एंड ड्यूटीज। थैंक यू, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर होना है बेहतरीन, फॉलो मी।